बैल को और गौ को ले जाता है, कटवाता है नित्यानंद राम कृपाल क्या थे तो जानते ही होंगे आपको। बस स्टैंड पर, पटना बस स्टैंड पर टेम्पो चलवाना, नोट दुगना करना और होटल कब्जा करके उसमें रहना। लालू यादव राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया, राबड़ी देवी को नहीं बना देते तो तुम्हारे बीबी को बना देते। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। आज गोवर्धन पूजा है और भव्य समारोह का आयोजन किया गया है। पटना के इस्कॉन मंदिर में मौजूद हैं, जहां पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद पहुंचे हैं, बिहार सरकार के मंत्री सुरेंद्र यादव मौजूद हैं, आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन है, भोला यादव है, शिवानंद तिवारी उनके साथ मौजूद है, जयप्रकाश यादव मौजूद है उनके साथ, जयप्रकाश नारायण यादव मौजूद है और भव्य गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया है श्री कृष्ण चेतना समिति की ओर से। इस्कॉन मंदिर में लालू प्रसाद पहुंचे हैं और उन्हें आते आते आज जो बीजेपी की ओर से जो यदुवंशी मिलन समारोह का आयोजन किया गया है उस पर जोरदार हमला बोला है। नित्यानंद राय जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, वो गाय बैल कटवाते हैं, बिजनेस करते हैं, गौ हत्या करते हैं। रामकृपाल यादव बीजेपी के सांसद हैं, वे होटल पर कैसे कब्जा किए हुए हैं, क्या उनकी हकीकत है, कैसे ऑटो चलवाते थे, क्या कुछ लालू प्रसाद कह रहे हैं, जरा सुनिए। और कृष्ण भगवान ने कंस को मार के भी ध्वंस किया और गोखुला मथुरा राज किया। कृष्ण समतावादी थे और सभी प्राणियों को, सभी जाति, सभी बिरादरी के, सभी धर्मों के रक्षक थे। कृष्ण भगवान जिस तरह से अपने उंगली पर पर्वत को उठा कर, गोवर्धन पर्वत को उठा करके समस्त प्राणियों को, सभी गौओं को रक्षा किया, ये बिल्कुल जो मिसाल है ये इतिहास में सब लिखा हुआ आप लोग जानते हैं। आज देश में जो हालात है आपसे छिपा हुआ नहीं है। किस तरह से धर्म के नाम पर अधर्म किया जा रहा है, राजनीति में धर्म का दुरुपयोग किया जा रहा है और राजनीति में गद्दी पर बैठने के लिए कृष्ण भगवान और धर्म का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसका हम लोग को संकल्प लेना है आज के दिन कि हम इसे चलने नहीं देंगे और कृष्ण भगवान के बताए रास्ते को, श्री कृष्ण भगवान के बताए रास्ते को अख्तियार करके भारतवर्ष को, सभी भारतवंशियों को हम रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे और उनको जो सता रही है शक्तियाँ और शक्ति का नाश करेंगे हम सब। आज देख रहे थे कि भाजपा के दफ्तर में यदुवंशी के नाम पर सब जुटे हुए थे, कुछ चंद लोग, कंस लोग, उनको कोई कुछ नहीं सोचता था। लालू यादव, अरे लालू यादव नहीं होते तो तुम कहाँ होता। जिस तरह से यदुवंशियों को खंडित किया जा रहा है, जहाँ जहाँ भाजपा का राज है वहाँ वहाँ उस राज में यदुवंशियों को खंडित किया जा रहा है, विखंडित किया जा रहा है, हम चलने नहीं देंगे। कृष्ण भगवान ने जैसे कमजोर लोगों को, प्राणियों को
रक्षा किया, उसी तरह से आज हम लोग की जो सरकार है, जो संगठन है, 75% रिजर्वेशन किया गया, जो कभी लोग सोचा भी नहीं था। रिजर्वेशन के अलावे आप देखे होंगे कि लाखों लोगों को शिक्षक बनाया गया, शिक्षक गांव गांव में लड़कियां और लोग शिक्षक बन रहे हैं, और लाखों बहाली होने वाली है, विज्ञापन निकल गया। कोई रास्ता नहीं था पहले, वो रास्ता दिखाया गया, लोगों को मजबूत किया गया। कोई रिजर्वेशन हमारे शासन के पहले कोई वोट देने जाता था क्या? वोट देने दिया जाता था? कमजोर तबका के लोगों को वोट नहीं डालने देता था, जबरदस्ती कैप्चर लोग कर लेते थे, या जिसका जनसंख्या उस जनसंख्या का उपयोग नहीं होने देते थे, चादरों के नाम पर। यहाँ एक केंद्रीय मंत्री है, नित्यानंद राय नाम है। नित्यानंद राय ठेकेदार था, ठेकेदारी करता है। राम कृपाल क्या थे तो जानते ही होंगे आपको, बस स्टैंड पर, पटना बस स्टैंड पर टेम्पो चलवाना और लोगों को नोट दुगना करना और होटल कब्जा करके उसमें रहना। लालू यादव का राज नाम मालूम, हमको मालूम हुआ बाद में, ये सब तो होटल ये बुरिया टोली को बदनाम कर रहा, चारों तरफ बदनामी कर रहा। जादव एक है, जादव दो नहीं है, ये लोग जादवों की शक्ति को खंडित करता है। और इसका गढ़ है हाजीपुर में, ये जो केंद्रीय राज्य मंत्री जो बना है, ये पहले हमारे यहाँ अप्रोच करता था आने के लिए, बीजेपी ने इसको बनाया था कि इसको मुख्यमंत्री बनाना है, जादव में मुख्यमंत्री बनाना है। अभी तक बोलता देखा हमने कि लालू यादव राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया, राबड़ी देवी को नहीं बना देते तो तुम्हारे बीबी को बना देते। राबड़ी देवी नहीं होती तो आज राष्ट्रीय जनता दल हमारी सरकार नीतीश के और तेजस्वी यादव के और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार नहीं होती, सभी खत्म कर देता। आप सब लोगों में धन्यवाद देता हूँ और श्री कृष्ण चेतना समिति को प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। देख रहे थे, नहीं मन नहीं था यहाँ, आप लोग गए थे न्योता देने, लेकिन हम देख रहे थे टीवी पर कि सब भाषण करते चला जा रहा, बोलते चला जा रहा। हाजीपुर में वहाँ से सब गो मेला लगाता है, मेला में लोड करके बैल को और गौ को ले जाता है, कटवाता है नित्यानंद राय, ये MLA है वहाँ का, यहाँ खड़ा ही जानता है, बोल नहीं रहा। क्या रास्ता था, ये सच्चाई है। बाहर में ले जाके ये बिजनेस करना,
गाय भैंस कटवाना, बैल कटवाना। गो हमारी माता है और उससे तुम कटवाते हो और कृष्ण भगवान का नाम लेते हो। हाँ, जमीन दखल करता है, सब करता है। तो ये वहाँ है ही है, यहाँ पर देखे तुम्हारा हैसियत ये है अभी कि तेज पत्ता को खड़ा कर दे तो तुम्हारा जमानत जब्त हो जाएगा। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी का नाम लेता श्री कृष्ण भगवान का सम्मेलन करना, उनका नाम लेना और नरेंद्र मोदी का माला जपना। क्या है नरेंद्र मोदी? आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा जगह पर ये पूजा किया जा रहा, आयोजन किया आपने कृष्ण भगवान के गोद में, उनके मंदिर में, उनके परिसर में हम लोग इकट्ठे हुए हैं और उनका नाम ले रहे हैं। ये हम लोगों का सौभाग्य है। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो बिहार के यादवों से लालू प्रसाद ने क्या हुंकार भरते हुए, क्या आपने सुना है? आप लाइव से सर बन रहे हैं, बड़े बड़े इल्जाम लगाए हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पर, रामकृपाल यादव पर, बीजेपी के सांसद पर, केंद्रीय मंत्री रहे लालू प्रसाद का ये तीखा बयान आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।